हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज मायके से। जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था, कल मैं आई थी यहाँ, मम्मी लोग कहीं गए थे, तो अभी हम जा रहे हैं। साहिल जा रहा है स्कूल, मैं जा रही हूँ यहीं पर छोड़ने। आगे बस आती है ना इधर ही पे, भैया लोग के घर पर वहीं पर से बैठाते हैं। यहाँ पर कहीं नहीं रुकेगी तो मम्मी लोग क्या, तभी उधर ही जा रहे हैं हम। ये साहिल हो गया रेड, कैसा लग रहा ना आने के घर से स्कूल जाते हैं। अच्छा, लेकिन उतरना वहीं है अपने वहीं, मैं भी चले जाऊंगी थोड़ी देर बाद। हम जाने लग गए हैं, तो बर्दी भी बैठे हैं। हाँ चले ना, थोड़ी देर में जाऊंगी। हाँ चलो। अरे इधर को मुँह दिखा दो, चेहरे की स्माइल। स्कूल कहाँ ले जाएगा पैसे फिर? ये हाँ आ रहा है, बर्दी की फुलवारी सूख गए आजकल, पानी डाल ले आजकल। वो ले आ गए ये चले। हेलो, चेहरे में स्माइल कर मैं दूंगी। हाँ बर्दी हमारे दे दिया इसको पैसे, खुश हो गया है। तो जा रहे, और यहाँ देखो ये छुटकू भी हो गया तैयार स्कूल के लिए ना। है ये देखो, टाई कहाँ है? इनका नाम बताओ। ये मामा है और यहाँ पर इनका नाती है। बताओ नाम बता। जय मार को। हैं? जय मार। बता दे जल्दी, आज शर्म लग रही है शायद बुआ से ना, नहीं बता रहा। अरे आज ये साहिल दद्दा भी आ रहा है तेरे साथ बस में आ रहा है। बस में जाएगा घर। हाँ शाम को तो वही आवाज आएगी। बस उधर को गई है ये इसकी साइकिल, उधर को गई। तो नाम नहीं बता रहा है फिर अपना। अपना नाम बता। है क्या है तेरा नाम? जय मार बोल। शर्म लग रही है, साइकिल चलाया हो रहा है ना। बस आ जाएगी। हाँ यहाँ पर है मेरी बुआ जी लोगों का घर। ये यहाँ ट्रैक्टर है, बस तो नहीं आई, तो चलते हैं रोड में। यहाँ पे कर रहे हैं हम बस का इंतजार, अब आई गई है बस की। क्यों ये बुबू की गोदी में आ गई तुम्हारी बस? बस भी आ गई है इनकी, सिटी कॉन्वेंट स्कूल की बस, सिटी कॉन्वेंट स्कूल। ये गई, हम भी चलते हैं घर। साहिल भी चले गया है स्कूल और यहाँ पर बैठ के पिया रहा है मेरा चाय। मम्मी भी आ गए हैं बनबसा से, चाय पी रहे हैं आज। ठंडा लगा रहे गाड़ी में बहुत, रास्ते में बहुत ठंडा हुआ। मेरे को तो ये ब्लाउज पहन चढ़ा, मैक्सी में ब्लाउज पहन दिया फुल ठंडा, क्योंकि सुबह का टाइम ठंडा ही होता है ना। बहुत ठंडा लग रहा है। एक तो बनबसा साइड जंगल भी तो हुए, पेड़ हुए, वहाँ तो बहुत ठंडा है। अच्छा लग रहा है, पेड़ हुए रास्ते में बहुत। तो पी लेते हैं चाय। ये देखिए टमाटर की झील गाइस, मम्मी तोड़ने लग गए इस साइड को। ये छोटे वाले टमाटर में ना अच्छे ज्यादा लगते हैं, जो झील होती है इसमें। जो बड़े लगते हैं कम ही लगते हैं टमाटर के बच्चे। यहाँ पर है केले के पेड़। एक झील यहाँ पर भी है गाइस, ये देखिए इसके अंदर भी पके हैं लाल लाल टमाटर। तो मैं ले जा रही हूँ घर को, हमारे तो कम ही लगे हैं। ये छोटे वाले हैं ना, इसमें ज्यादा लगते हैं। बड़े वाले होते हैं उसमें तो बहुत कम लगते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है झील, यहाँ देखना है। ये यहाँ दबे हैं, ये अंदर ये देखिए गाइस, अंदर छुपे पड़े हैं टमाटर, टूट टूट के तोड़ने हो रहे हैं। तो मेरी होने लग गई है घर जाने की तैयारी। अभी बज गया है 9 बजने वाला है, 9 बजने में 10 मिनट फिर धूप लग दिया ना। मम्मी लगाने लग गए हैं पिठा, चलते हैं फिर घर को। काम भी तो लग जाते, साइकिल में जाना हुआ, धूप लगेगी फिर। सवारी
साइकिल की सवारी, धीरे धीरे चलते हैं। तो पिठा भी लगा दिया है, घर जाने की हो गई है तैयारी। तो चलते हैं गाइस घर, धूप लग रही है। फिर मेरी साइकिल की सवारी, साइकिल भी तैयार है। ये साइकिल तैयार है, झोला चुमटा अच्छे से स्टैंड है, तैयार है पीछे। हाँ, झोला भी तैयार है, साइकिल भी तैयार है। आ नया झोला दिया है मम्मी ने, ये स्टैंडर्ड झोला देखो। कहीं जाने के लिए 35 साल चलेगा लिखा है इसमें, ट्रस्टेड फॉर 35 ईयर। 35 साल चलने वाला झोला देखो, कितने साल चलते हैं। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं घर पहुंचने के बाद। धूप लग रही है फिर बहुत ज़्यादा। तो मैं भी पहुँच गई हूँ गाइस घर, और यहाँ पर मानू भी आ गई मेरे साथ साइकिल में। ये साइकिल में आई ना मम बड़ी मम्मा के साथ। गुड मॉर्निंग दे। अच्छा उंगली निकाल के, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड इवनिंग, हेलो 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 हेलो। मैं यहाँ आ गई। हाँ हाँ ठीक हो गए मुंडी से। बाय बाय। अब मैं छतानी करूंगी ना, छतानी करेगी। बाय गाइस कह दे। बाय गाइस। हाँ गाइस कहना भी सीख गई गाइस आप लोगों से। अब ये अब मानो धीरे धीरे आप लोगों से बात करने लग गई ना। क्या खा रही है? बिस्कुट। बुआ बुआ बोल। बुआ बुआ आप कैसे हो? बुआ बोल दे। बुआ आप कैसे हो बोल दे। हाँ बुआ भी देखेगी ना ब्लॉग में, बोलेगी मानू मेरे से बात कर रही है ना। हाँ बड़े पापा से भी बोल। बड़े पापा बोल। बोलो पापा आप कैसे हो? हेलो कब आ रहे हो? कब आ रहा? अरे जल्दी आना भूखला है कुत्ता, गोलू भूख रहा है तो कुत्ता भूखला है। बड़े पापा जल्दी आना कहते। जल्दी आना, चिज्जी लाना। चिज्जी लाना तो बोल। चिज्जी आना। हाँ क्या रखाएगी बता? फ्रूटी। फ्रूटी फ्रूटी ला देना मानू के लिए ना। दलना है। दलना दलना ओले दानी भी लाना है, भोजी लानी है। आज मानू को बड़े पापा की याद आ गई ना। हाँ कहाँ पे आई याद? यहाँ पल यहाँ पल। क्या क्या बोलती है ये? चल बड़े पापा बाय के दे। बाय। मैं बिस्कुट खा रही हूँ। खाऊ मैं। हाँ चलो फिर, चलो फिर करते हैं काम छुलू ना, काम करते हैं छुलू। तो गाइस मायके के टमाटर देखिए, जो मैं तोड़ रही थी तब मैंने आपको दिखाया था झील टमाटर की, तो इतने ला गई हूँ ये। कितने महीने तक, महीने करूँ दिनों तक चल जाएंगे ये। रख देते हैं इनको फ्रिज में। तो मैंने घास भी काट दिया, डल लेते हैं घास। ये पन्नी में ही काट के रखा है, फिर सूख जाता है ना आजकल। अजा मानो यहीं पर बैठेगी। तो डलते हैं घास, फटाफट कर लेते हैं काम धाम। फिर यहाँ पे हम दलने लग गए हैं घास, और यहाँ पर मानू को देखो गाइस क्या कर रही है। मानू क्या कर लिए? झूला झूल लिए। कहाँ है झूला? ये झूला झूल कह दे। झूला झूल। ये मानू का झूला झूल हो रहा है यहाँ पे। ये झूला झूल। मजा आ रहा है। अरे तो गाइस फाइनली दिन का काम भी हो गया है कंप्लीट, खाना पीना भी बना दिया है, अब खा लेते हैं। और 1 बज गया आज हमें, 1 बजे तक काम ही हुआ, तो खा लेते हैं खाना। बच्चे तो आते हैं 2 बजे, तब तक हम लोग तो खा लेते हैं, खा के निकालते हैं थोड़ी नींद। थोड़ी देर निकाल ही हुआ है, फिर बच्चे हल्ला गुल्ला ही करते हैं, टीवी चला लेते हैं, फिर और नींद देख कर और नींद भी निकाल ही लेते हैं। गर्मी में तो जितना सो उतना ही ज़्यादा आलस्य आता है ना बिना। तो खा लेते हैं खाना और फिर निकालते हैं नींद। ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी फिर सीधी शाम को। तो दिन में थोड़ी देर निकाली नींद, अब उठ के हो गया है जानवरों का काम कंप्लीट, अब हो गई चाह बनू ना टाइम। तो चाह बनू रही हूँ, बनी हुई चाह ले। उमाला है गीला, चाय भी बन गया है। 3 ग्लास 2 मिश्री वाले हैं, 1 मैं हूँ चीनी वाली। तो चलते हैं बाहर को, कोई आया है हमारे घर? कौन आया दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखो कौन आए हैं आज, दीदी आ रखे हैं, और यहाँ पर तो जानते ही हो आप इनको तो।
सासू माँ आ दीदी कब से आ रखे हैं यहाँ क्यों कैसे देखा है ये हमारे पड़ोसी का इस हमारे घर के आगे रहते हैं ये है इनका घर। तो गाइस आज आप दीदी को कमेंट बॉक्स में बहुत बहुत बधाई दीजिएगा, फाइनली दीदी को मिल गई है बहुरानी। कब से मैं कहती थी विदेश वाले देवर जी आए थे जो घर में नहीं बोलती थी देवरानी मिल जाए करके देवर जी को, तो फाइनली हमें मिल चुकी है देवरानी। तो दीदी से पूछते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए दीदी, तो दीदी फाइनली मिल गई फिर आपको बहुरानी। हाँ मिल गई फिर, कब से ढूंढते ढूंढते ना ज्यादा मतलब समय नहीं लगा ढूंढने में। हाँ बड़े वाले की तरह नहीं ढूंढना पड़ा बहुत ज्यादा। अंजल वहीं होगा और पास से ही हो रही है गाइस, पास मायका ठीक ही अच्छा ही है। बहुरानी को आने जाने में सही होगा। फटाफट आना जाना नजदीक में ना। हाँ आजकल स्कूटी चलाने वाले हैं, स्कूटी स्टार्ट की सीधे। हाँ ऐसा ही हुआ फिर। तो गाइस शादी है नवंबर में, नवंबर में शादी है, डेट भी निकल गई है, डेट भी रिवील कर ही देते हैं आपके साथ। मैंने सोचा आज आपको बता देते हैं कि हमारे पड़ोस में है शादी, इस घर में है गाइस शादी, आप लोग को भी दिखाएंगे शादी का ब्लॉग। और डांस प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अब तो, तभी तो दीदी भी करेंगे। अब शॉपिंग भी शुरू करेंगे धीरे धीरे, अभी तो टाइम है गाइस, ठंडियों में है शादी। डांस सीखना हुआ फिर करना हुआ ना, हमारे यहाँ तो सबको आता ही है, हमको ही नहीं आता है कि सब डांसर ही है हमारे बानूसी में, सब डांस ही करते हैं। हाँ एक से एक डांसर हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लेंगे हम भी ना, थोड़ा हाथ हिला लेंगे। तो गाइस जो विदेश में करते हैं देवर जी नौकरी, कौन सी जगह करते हैं, बहरीन में, तो उनके लिए मिल गई है अब हमारी देवरानी मिल गई है, उनके लिए मिल गई है लड़की। और शादी है गाइस नवंबर में, कितनी तारीख बोला मैं तो बोल भी गई गाइस, 19 तो 19 नवंबर को है देवर जी की शादी। आप लोग भी जिस जिसको न्योता है आइएगा जरूर, जिस जिसको दीदी न्योता दे वो सभी आइएगा। अभी से मैं बोल दिया है मैंने, आप भी बोल दो। हाँ 19 को है मेरे बेटे की शादी, सब लोग आना। जो मेरे पहचान के हैं सभी को निमंत्रण हुआ है अभी से 19 नवंबर को, याद रखिएगा डेट 19 19 19। तो गाइस अब हो रहा है मेरा साड़ी का खोल बनाया, ये देखिए इसमें रखेंगे कंठे, इसमें भूसा भी रखते हैं गाइस और कंठे भी रखते हैं, ये साड़ी का छिलके इसमें बनाते हैं। तो पड़ोस की दीदी ने दे रखा है बनाने के लिए, अभी बना रही हूँ, अभी काम भी हो ही गया, मैं इनको बना के रख देती हूँ। धोतियाँ भी बना दी है, ये दो धोती दी थी दीदी ने, एक ही है, दोनों बना दिए है। कैसे हो ये कड़क, ये सूती जैसी है शायद, कर देते हैं इसको फोल्ड। जानवर को भी बांध दिया गोट में, जानवर का काम हो गया कंप्लीट, अब थोड़ी देर बाद जाएंगे टहलने, अभी कोई आया नहीं, काम करते हुए दिख रहे हैं भावना ये लोग। और गाइस जो शादी है वो हमारे घर के आगे है पड़ोस में नवंबर में, और पटिया से हो रही है देवर जी की शादी। तो आप लोग भी कमेंट में देवर जी को बधाई दीजिएगा, और मेरी तरफ से ब्लॉग के माध्यम से देवर जी को बहुत बहुत बधाई। और जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है दोनों की, देवर जी मस्त लग रही है आप दोनों की जोड़ी, मैंने उनको फ़ोटो में देखा है देवरानी को, दोनों एक जैसे ही हैं देवर भी देवरानी भी। और गाइस आप लोगों को तो फ़ोटो मैं अभी नहीं दिखा सकती, रिवील अभी नहीं करूँगी बाद में, क्योंकि अभी बहुत टाइम, अच्छा नहीं लगता है ना इतनी जल्दी दिखाना, तो जब शादी का टाइम पास आएगा तब दिखाऊँगी फ़ोटो। तो आप लोग बधाई दीजिएगा देवर जी को भी बहुत बहुत शादी की, नवंबर में है शादी, 19 नवंबर याद रखिएगा डेट, जो जो रिलेटिव हैं उनके दीदी के याद रखिएगा डेट शादी की, शॉपिंग शुरू कर देना थोड़े महीने बाद। एक देवर जी के लिए तो शादी की हो गई है फिक्स, विदेश में एक देवर जी और हैं बहरीन में, अर्जुन देवर जी,
देखो उनकी शादी की खुशखबरी मैं आपको कब देती हूँ, बहुत जल्दी दूंगी। खाना पीना भी हो गया हमारा, इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो का एंड। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।